good morning students welcome back to our science class for class 10th this is your chapter number 7 means in this video we will going to discuss about chapter number 7 question and answer okay so let's start question number 7 is control and coordination okay okay sorry sorry in our last video i had said कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नेम चैप्टर नंबर सेवन सो दिस इज रियली वेरी सॉरी चैप्टर नंबर सेवन इज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेसन ओके सो लेट स्टार्ट कंट्रोल एंड कोआर्डिनेसन तो इन दिस चैप्टर टोटल थ्री मार्क्स क्वेश्चन आर आर हैड कमिंग ओके मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो आपका है एक मिनट Hmm. ये चैप्टर नंबर सेवन जो है आपका ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ठीक ये आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से टोटल थ्री मार्क क्वेश्चन ये आने वाले हैं थ्री मार्क के क्वेश्चन और इस थ्री मार्क में से जो थ्री है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे तो आपको जो है ना आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने हैं ना ही आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के देखने हैं और ना ही आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप के देखने हैं मेनली अपन हमें जो है इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं ठीक है थीके? तो चलो स्टार्ट करते हैं तो आप समझ गए होंगे कि टोटल चैप्टर नंबर सेवन जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसमें से सिर्फ थ्री मार्क के क्वेश्चन ही आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे ठीक है जिसमें से हो सकता है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन आ जाए चाहे आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए या फिर मैच द कॉलम में से पूछ सकता है है ना या फिर वन वर्ड आंसर टाइप पूछ सकता है ठीक तो आप समझ गए कि इस चैप्टर से आपका सिर्फ थ्री मार्क का आने वाला है ठीक है तो चलो इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मेन जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एकदम मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके आते ही हैं और आएंगे ही वही क्वेश्चन हम इम्पॉर्टेंटली हम उनको बात करेंगे बाकी तो है उनके बारे में हम देखेंगे ही लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस उन पर करना है जिनको हम आपको बता रहे हैं ठीक है तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ठीक तो चलो इसमें देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ठीक तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर वन से करेक्ट आंसर वन इज इन वॉलेंटरी एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय जो आपका वॉलेंटरी एक्शन है वो किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है ना तो ये आपका है मड्यूला ओबलोंगोटा है ना तो ये जो आपका है मोड्यूला ओब्लोंगेटा ये इससे जो है आपका क्या है इन एक्शन जो है आपके ये कंट्रोल होते हैं इन वॉलेंट्री मीन्स क्या है ऐसी मतलब ऐसे एक्शन जिसको हम बिना अपनी इच्छा के हम वो करना करते हैं मतलब अचानक ही जैसे हमें क्या है कहीं पर ठंडी लगती है तो हमारे क्या है गूस पंक्स जो है निकल आते हैं है ना तो वो क्या है वो इन्वॉलेंट्री एक्शन है या फिर क्या है कि जैसे भी किसी गर्म चीज़ से हमारा हाथ टच हो गया तो सडनली जो है हमारा हाथ जो है पीछे हो जाता है ना एकदम सडनली ही विदाउट एनी एक्शन मतलब बिना किसी रिस्पॉन्स किए वो जो है सडनली जो है अपना हाथ पीछे कर लेते है तो वो क्या है वो है आपका इन्वॉलेंट्री एक्शन तो ये किसकी हेल्प से ये होता है किसको किसके थ्रू हमारे ब्रेन के किस पार्ट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है तो कंट्रोल बाय मेड्यूला ऑबलोंग गेटा ठीक है तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन ठीक एक ऑप्शन नंबर सी फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेज द फॉलोविंग आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें कौन कौन से पार्ट हैं यहाँ गिवन है जो कि प्रेजेंट है या फिर उसका पार्ट है ये ठीक है तो ब्रेन आपका ब्रेन है फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड या फिर आपका सेरेबुलम है ना तो कौन सा पार्ट है तो ब्रेन और जो स्पाइनल कार्ड है वो दोनों होते हैं है ना ये आपका क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ये आप समझ गए इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं ब्रेन है मेन ब्रेन तो होगा ही सेंट्रल क्योंकि सेंट्रल का पार्ट है ना मतलब अगर हम देखें तो ब्रेन का पार्ट फिर ब्रेन से अगर हम आए तो ये आपका क्या है स्पाइनल कॉर्ड है ना जिसमें जो है आपके स्मॉल नर्व्स जो है यहाँ पर निकले रहते हैं ठीक है तो ये हमारे पूरे बॉडी का ये ब्रेन है मतलब ये पूरे जो है ये आपका सेंट्रल पार्ट है ठीक तो दोनों मिलकर क्या है सेंट्रल पार्ट को डिज़ाइन करते हैं ठीक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री जो है आपका द रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय तो जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड होते हैं किसके थ्रू तो जस्ट यहाँ पर देखो ये यहाँ है आपका अभी हमने जस्ट बात किया था कि जो हमारे इन्वॉलेंट्री एक्शन है है ना वो किसकी हेल्प से कंट्रोल्ड होते हैं तो वो मेड्यूला एबलोंगेटा बट यहाँ पर अभी रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जो एक्शन उसी इन्वॉलेंट्री जो एक्शन होते हैं ना तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनको यहाँ पर बता रहे हैं कि वो किसके थ्रू कंट्रोल या कोऑर्डिनेट किए जाते हैं कंट्रोल मतलब यहाँ पर मेन ये है कि किसकी हेल्प से जो है वो ब्रेन तक मैसेज भेजा जाता है सडनली वाला तो ये है आपके स्पाइनल कॉर्ड से ठीक है तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है डिफरेंट जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से स्मॉल नर्व्स या फिर स्मॉल जो नर्व सिस्टम है उनसे जो है क्या करेगा वो मैसेज को कैप्चर करेगा देन उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड जो है सडनली ब्रेन को ये मैसेज सेंड करेगा देन बैक क्या है मसल्स में जाके वो जो हमारा है रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड होगा ठीक है कोऑर्डिनेट होगा फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर सेस द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग पार्ट ब्रेन आपका कितने पार्ट में डिवाइड होता है तो मेनली वो आपके थ्री पार्ट में कौन सा तो आपका जो है फोर uh, ब्रेन होता है मिड ब्रेन होता है एंड हाइंड ब्रेन है ना तो ये मेन कह सकते हैं ये थ्री पार्ट में ये डिवाइड होता है ठीक है तो ये हो गया आपका थ्री पार्ट में ठीक है ना तो आप ये समझ गए कि हमारा जो ब्रेन है वो कितने पार्ट में डिवाइड है थ्री पार्ट में ठीक है कौन कौन से पार्ट में फोर ब्रेन उसके बाद मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन ठीक तो ये है फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स तो फिलिंदा ब्लैंक्स में क्या कह रहा है यहाँ पर हार्ट बीट इज़ कंट्रोल्ड बाय जो हार्ट बीट है हमारा वो किसकी हेल्प से अब हार्ट बीट देखो क्या है कंटिन्यूअस प्रोसेस है इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है है ना तो ये कंटिन्यू क्या है बीट करेगा हम नहीं चाहेंगे तब भी वो बीट करेगा ठीक okay. है तो ये हार्ट बीट जो है किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है ये है अभी हमने बात की था कि यहाँ पर जो है आपकी इन्वॉलेंट्री एक्शन है ना इन्वॉलेंट्री एक्शन में ही ये आते हैं ठीक है तो ये क्या है ये मेड्यूला एबलोंगेटा है ना जो मेड्यूला एबलोंगेटा है ये कंट्रोल करता है इसको ठीक है एंड नर्वस सिस्टम इज फाउंड ओनली इन तो जो नर्वस सिस्टम है वो किस में है ये सारे जितने भी जो एनिमल हैं उनमें नर्वस सिस्टम फाउंडेड है ठीक है एंड ब्लिंकिंग ऑफ आई इज़ ये आपका कैसा है ब्लिंकिंग ऑफ आईज ये है आपका रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जो पलकें झपकती हैं ये आपका कैसा एक्शन है ये रिफ्लेक्स एक्शन है एंड फोर्थ फोर्थ इज ब्लैंक फ्लूड इज फील्ड बिटवीन द मेम्ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड तो जो स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन्स है ना वहाँ पर कौन सा फ्लूड कौन सा लिक्विड वो भरा होता है तो यहाँ पर होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड है ना सेरेब्रो स्पाइनल वो आपका सेरेब्रम है प्लस स्पाइनल से बना हुआ एक फ्लूड है है ना वो भरा होता है इसमें ठीक है देन फिफ्थ सेज ब्लैंक सिस्टम इज अपसेंट इन प्लांट कौन सा सिस्टम है जो कि प्लांट में एबसेंट होगा तो बिल्कुल अब भी जस्ट हमने बात की कि एनिमल नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम है प्लांट में नहीं होगा ठीक है तो नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट इन प्लांट देन क्वेश्चन नंबर सिक्स विजन एंड ऑडिटरी एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय विजन एंड ऑडिटरी एक्शन ये हमारे ब्रेन के किस पार्ट के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं तो ये मिड ब्रेन जो हमारा मिड ब्रेन है उसके थ्रू ये कंट्रोल्ड होते हैं ठीक है थीके? तो ये हो गया आपका फिल्म द ब्लैक्स कम्पलीटेड नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है सेरेब्रम इज अ सेंटर ऑफ मेमोरी तो क्या आपका सेरेब्रम है हमारे मेमोरी का सेंटर पार्ट है तो दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट देन सेकेंड इज ऑन अकाउंट ऑफ रिफ्लैक्स एक्शन बॉडी ऑफ एनिमल इज प्रोटेक्टेड सडनली बिल्कुल क्योंकि हम जो है रिफ्लेक्स एक्शन जो करते हैं अचानक से ही तो वो आपके क्या है सडनली हम चीज़ों को जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं है ना तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन में आता है तो डी दि, दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट देन थर्ड क्वेश्चन इज ब्रेन ऑफ मैन इज प्रोटेक्टेड इन स्कल जो ब्रेन है मैन का वो स्कल से प्रोटेक्ट है बिल्कुल स्कल क्या है एक हार्ड बोन की बनी हुई ये आपके क्या है स्केलेटन पार्ट है मतलब हमारे जो हमारा जो ब्रेन है वो एक हार्ड कोट से कवर है हार्ड कोट मींस क्या है जो हार्ड पार्ट है बोन का उस, उससे जो है ये कवर है क्यों क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है है ना तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है ठीक है एंड फोर्थ ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट तो ये आपका रॉन्ग है फॉल्स हो गया क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा था कि ब्रेन के थ्री पार्ट होते हैं है, है ना तो ये आपका हो गया देन फिफ्थ क्वेश्चन से वेल स्टेटमेंट सॉरी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन प्लांट तो नर्वस सिस्टम तो प्लांट में होता ही नहीं है तो वेल well डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं होगी है ना तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ठीक है तो ये सारे हमने ट्रू एंड फॉल्स भी कवर कर लिए देन नेक्स्ट अपन देखते हैं मैच द कॉलम टाइप्स क्वेश्चन ठीक है मैच द कॉलम टाइप्स क्वेश्चन इसमें देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं फर्स्ट कॉलम uh, है यहाँ पर गिवन है ओवरी टेस्टिस वेन एंड आर्टरी एंड न्यूरॉन ठीक तो इसमें से जो आपके इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ये न्यूरॉन मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन आपका है ये इम्प्योर ब्लड है ना ये वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो इनके आने के चांसेस हंड्रेड परसेंट हैं ठीक है तो ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो ओवरी जो है आपका क्या है ये क्या करता है तो ओवरी से रिलेटेड है आपका क्या है टेस्ट एस्ट्रोजन है ना और टेस्ट से रिलेटेड है टेस्टो एस्टोरॉन एंड वीन क्या करते हैं आपके ये जो है इम्प्योर ब्लड को जो है ये कैरी करते हैं ठीक है एंड आर्टरी क्या करेगा ये प्योर ब्लड को कैरी करेगा न्यूरॉन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम ठीक है तो ये आपका क्लियर हो गया है ना मैं तो कॉलम भी कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट इसमें जो आपके हैं ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो आपके वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नर्व एमर्ज आउट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड में टोटल कितने पेयर नर्व जो है एमर्ज होते हैं वहाँ पर कनेक्टेड होते हैं तो टोटल कितने होते हैं थर्टी वन पेयर टोटल जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कॉर्ड है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें टोटल थर्टी वन पेयर जो है ये कनेक्टेड होते हैं मतलब इस तरफ थर्टी होंगे थर्टी वन होंगे और फिर उसके बाद इस तरफ भी आपके क्या होंगे टोटल थर्टी वन होंगे है ना बोथ साइड ठीक है थर्टी वन थर्टी वन मीन्स थर्टी वन पेयर क्वेश्चन नंबर सेकंड इन विच टाइप्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म द नर्वस सिस्टम इज फाउंड तो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम होते हैं तो जितने भी हमारे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है देन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ मेनी क्रैनियल नर्व आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन नर्वस सिस्टम कितने क्रैनियल नर्व जो है प्रेजेंट है तो टोटल है ट्वेल्व पेयर क्रैनियल नर्व नर्वस सिस्टम प्रेजेंट ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना है तो वो है 1400 ग्राम ठीक है कितना है 1400 ग्राम ओके तो ये आपका हो गया कवर अब इसमें देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ये भी आपका एक वन वर्ड टाइप का ये बना है तो इसमें से अपन देखते हैं इसमें से हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट टाइप के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये हो गया अब इसमें देखो ये ये आ गया वॉट इज सिनेप्सिस है ना तो यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के को क्वेश्चन आने वाले हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें से जो है आपके ये लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर टाइप से पूछे पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपका सिनेप्सिस है ना तो सिनेप्सिस क्या है ये भी हमें समझना चाहिए सिनेप्सिस के बेस पर वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपको है ना तो सिनेप्सिस क्या है जंक्शन एंड जंक्शन है वो किसके बीच में बिटवीन दी नर्वस एंड ये आपका इसे हम क्या कहेंगे बिटवीन दी नर्व एंड ऑल्सो दी डेंड्रॉइडस डेंड्रॉय और नर्व के बीच में ये एक जंक्शन है ठीक है जो कि सिग्नल पास करता है ये है ना तो ये आपका क्या है ये सिग्नल ये पास करेगा ठीक तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं जंक्सन रीजन फंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स इज नोन एज सिनेप्सिस मीन्स यहाँ पर देखो ये कह सकते हैं कि जो दो न्यूरॉन है आपके फर्स्ट वाला यहाँ और सेकेंड वाला ये है ना तो दोनों के बीच में जो यहाँ पर जंक्शन है उसको ही हम क्या कह रहे हैं सिनेप्सिस मतलब सिनेप्सिस आपका क्या है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन ठीक तो ये आपका सीनेपसिस है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये ड्रॉ द लेबल डायग्राम ये तो आपका नहीं आने वाला है ना फिर ये ड्रॉ द लेबल डायग्राम नर्व सेल ये भी नहीं क्योंकि ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए है ना राइट एनी फोर फंक्शन ऑफ साइटोकाइंस तो इसमें ये पूछ सकता है कि साइटोकाइंस के कोई एक फंक्शन को बताइए तो ये आपका वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है ना तो एनी वन फंक्शन क्या होगा साइटोकाइन इनका तो साइटोकाइन इन क्या करता है ये हेल्प करेगा प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड इट इज़ हेल्प इन द सेल एलोंगेशन सेल एलोंगेशन मीन्स जो सेल है उसकी ग्रोथ में ये हेल्प करेगा एलोंगेशन मीन्स उसमें इसकी जो लंबाई है ना उसको बढ़ाने में ठीक है एंड दे इंड्यूस सीड जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन को ये इंड्यूस करेगा ठीक है फिर उसके बाद दे इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड्स ऑग्जिलरी बर्ड्स की ग्रोथ में जो है बर्ड्स के ग्रोथ में ये हेल्प करेगा ठीक फिर उसके बाद ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन ये लास्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है तो ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा ही है ना तो मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट है ये साइटोकाइनिन के बारे में पूछ सकता है कोई एनी वन फंक्शन तो ये आपका इंपॉर्टेंट था फिर सिनेप्सिस क्या है ये पूछ सकता है तो सिनेप्सिस इज अ गैप बिटवीन टू सेल ठीक है ये आपका सिनेप्सिस क्या है टू सेल के बीच का ये गैप है ठीक तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से हमने डिस्कस कर लिए आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आएँगी है ना तो इसमें से सिर्फ आपके थ्री मार्क्स का ही आना है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा क्वेश्चन तो उसमें हो सकता है आपका चूज द करेक्ट आंसर दे दे या फिर आपका फिलिंदर ब्लैंक्स दे सकता है या आपका मैज द कॉलम दे सकता है या फिर आपके वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से है ना तो हमने ये सारे क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर दिए ठीक तो आपको यहाँ तक ये यह क्लियर है समझ के यहाँ आप सारी चीज़ें जो आपको समझ आ जाएगी एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए समझिए ध्यान से पढ़िए सभी चीज़ें जो है जितने भी क्वेश्चन जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो इसमें से कितने मार्क्स का आने का है ये आपका थ्री मार्क्स का आना है जिसमें से आपके थ्री जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे ठीक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ठीक है तो ये आप ये कर सकते हैं है ना तो हमने ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए आप इस वीडियो को देखिए आपको सारी चीज़ें हाँ सारे क्वेश्चन कम्प्लीटली आप समझ जाएंगे इसको ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है हमारा चैप्टर नंबर एट ठीक तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर सेवन कम्प्लीट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे